गाइस, तो आज मैं आ गई हूँ कुछ CUET से रिलेटेड बिग अपडेट्स के साथ। NTA ने कुछ ऐसी अपडेट्स रिलीज किए हैं जिनका आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आप सभी ने CUET दे दिया, अब आप अपने अच्छे मार्क्स भी एक्सपेक्ट कर रहे होगे, बट कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन या अपडेटेड ना होने की वजह से आप पीछे ना रह जाओ। इसीलिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि अब आगे आने वाला है 1 से 2 महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। हर दिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी ऐसी अपडेट्स होती है, अगर आपने उसको मिस आउट कर लिया तो हो सकता है कि आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां तक ना पहुंच पाओ, फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, बहुत सी चीजें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले आपको पता चले। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि जो NTA के चेयरपर्सन है मिस्टर M जगदीश कुमार सर ने, उन्होंने ट्वीट किया है कि इस साल आप सभी का सेशन, बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, आप सभी का सेशन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी जल्दी से खुश हो जाओ, क्योंकि देखो हमारे बैच में क्या हुआ था, लेजिट हमारे तो भाई कॉलेज शुरू हुए थे नवंबर में और एग्जाम हो गए थे जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर के, तो 2 महीने में हमने एक पूरा सेमेस्टर निकाल दिया था। तो कोई बात नहीं, आप लोग बढ़िया से अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करने वाले हो। एंड इफ आई स्पेसिफिकली टेल यू अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि 1 अगस्त से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा ना, तो वो सारे बच्चे अपने ड्रीम, मतलब अपने फाइनली ड्रीम कॉलेजेस में जा पाओगे 1 अगस्त से, ठीक है। लेकिन अनदर बिग अपडेट इज दैट NTA और UGC ने ये बता दिया है कि 261 यूनिवर्सिटीज, इट्स अ वेरी बिग नंबर, 261 यूनिवर्सिटीज CUET के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देने के लिए तैयार है। सो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन बिग यूनिवर्सिटीज आर रियली हाई दिस ईयर। आप सबको एडमिशन मिलेगा, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर कॉलेजेस होते हैं, इतनी सारी सीट्स होती है, तो आपको एडमिशन 100% एडमिशन तो मिल ही जाएगा। तो इस चीज की टेंशन तो लेना आप लोग बंद कर दो। इसके आपको हमेशा प्रिपेयर रखने चाहिए अपने बैकअप ऑप्शन, एज आई ऑलरेडी सेड कि 261 यूनिवर्सिटीज हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में रजिस्टर करो। इसमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको रखनी है, कौन सी टॉप पे रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई करना है। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे मत रहना, और भी यूनिवर्सिटीज और भी बैकअप ऑप्शन में जरूर रखना, ठीक है। अब हम बैकअप ऑप्शन की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे बढ़िया बैकअप ऑप्शन मैं बताती हूँ, विच इज कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या इज लाइक अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको यहाँ पे क्लास 12th के बेसिस पे टॉप यूनिवर्सिटीज में बेस्ट कोर्सेज मिल जाएंगे, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे आप बढ़िया से अपनी ग्रेजुएशन निकाल सकते हो, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है वो कर सकते हो, PhD तक यहाँ पे होती है, ठीक है। अब किसी भी XYZ रीजन की वजह से, अगर आप कोई साइड हसल कर रहे हो, आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे आप घर बैठे बैठे डिग्री ले सकते हो। अब देखो, अगर आप कोई साइड हसल कर रहे हो तो साथ में डिग्री भी मिल जाएगी आपको, और डिग्री मिल गई है तो आगे चल के और बढ़िया प्लेसमेंट लगने के चांसेस है। यहाँ पे जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में जो दे रही हूँ, इससे आपको 100% असिस्टेंट मिल जाएगा इन योर प्लेसमेंट, ठीक है। तो उस लिंक से जाना पर्टिकुलरली। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको अगर डुअल डिग्री करनी है, मान लो कि अगर आप रेगुलर कॉलेज में ऑलरेडी इनरोल्ड हो, आप उसके साथ साथ अपने मन पसंदीदा कोर्स या फिर कोई और एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहते हो, तो दोनों डिग्रीज कर सकते हो। डुअल डिग्रीज मीन आप कोई रेगुलर कॉलेज कर रहे हो उसकी डिग्री, और ऑनलाइन बैठे बैठे भी डिग्री कर सकते हो, दोनों डिग्री ऑनलाइन भी कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सेम इक्वल इनको कंसीडर करेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टाइम बचेगा, आपका सब कुछ बचेगा, पैसे बचेंगे, एक्सपेंसेस बचेंगे, सब कुछ बचेगा दूसरे मतलब स्टेट में जाने का। तो आप आराम से यहाँ पे घर बैठे बैठे बढ़िया से ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD सब कुछ कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। BCom हो गया, BSc हो गया, BA, BTech कुछ भी करना आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। यहाँ पे जो लिंक है उससे जाना, आराम से कंपेयर करना डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, एंड देन अपनी फाइनल आइडियल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके वहां पे देख लेना। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आप एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते, तो EMI सपोर्ट ऑप्शन भी कॉलेज विद्या प्रोवाइड करता है, तो इससे आप बड़े आराम से जाके अपनी प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो और आराम से अपनी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे बड़ी सी बड़ी MNCs भी आपको प्लेसमेंट देने आएंगी, बस ध्यान रखना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे जाना, आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे ना कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 2 मिनट AI पावर टूल है, उससे जाओ और छोटू सा सर्वे फिल आउट करना है आपने, देन आपको आपके सर्वे के एनालिसिस में पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा। तो जल्दी से जाओ, चेकआउट करो कॉलेज विद्या को, ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन है, बेस्ट बैकअप प्लान है, जल्दी से जाओ। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो आई पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, डू चेकआउट कॉलेज विद्या। व्हाट इज द फी रिफंड पॉलिसी, तो जैसे कि आपने ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मान लो आपने DU में कर लिया, BHU में कर लिया, IP में कर लिया, ठीक है,
अब यहाँ पे मान लो आप वेट कर रहे हो कि अच्छा डीयू का प्रॉपर एलोकेशन हो रही है, उसके बाद आपको मान लो अपना पसंदीदा कोर्स और कॉलेज मिल जाता है डीयू में, ठीक है। उसके बाद डीयू तो बोलेगा कि मुझे 3 दिन के विद इन पूरी फीस पेमेंट करो, या फिर कहीं और अगर आपको मिलता है वो भी यही बोलेंगे। मान लो आईपी में आपको कोई कॉलेज मिल गया बढ़िया से, वो भी यही बोलेंगे कि 3 दिन के विद इन हमें फी पेमेंट करो पूरी की पूरी। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप चाहते हो कि आप डीयू में बने रहो, थर्ड राउंड फोर्थ राउंड के कट ऑफ तक जाओ, तो आपको ये डर है कि यार मैं आईपी में भी भर रहा हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी भर रहा हूं, मेरे पैसे दोनों जगह जा रहे हैं, मेरे को वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो थी बच्चों की वो सब अब सॉल्व हो चुकी है। आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा अगर आप विड्रॉल करा देते हो एक पर्टिकुलर डेट से पहले। ये डेट आपको मैं अपने चैनल पे सबसे पहले बता दूंगी, एनटीए जैसे ही रिलीज करता है, कि इस डेट से पहले अगर आपने दूसरी यूनिवर्सिटी से विड्रॉल करा दिया एक भी पैसा आपका नहीं कटेगा, फुल फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। आपने 2-3 यूनिवर्सिटीज में भर रखा है, आपने आईपी में भी भर दिया, आईपी के भी मतलब पूरी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी चल रही है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज मिला फिर आप दूसरे राउंड के लिए जा रहे हो, तो आप वेट कर रहे हो कि मुझे फाइनली कौन सा मिलेगा, दोनों से मैं कंपेयर कर लूंगा कौन सा बेटर है, दूसरे से विड्रॉल ले लूंगा, एक में रह लूंगा। तो जिधर से विड्रॉल रहोगे वहां से आपका एक पैसा भी नहीं कटेगा, उस पर्टिकुलर डेट से पहले आपने कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको समझ आ रहा होगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने उस डेट के बाद विड्रॉल करा फिर कुछ पैसे कटेंगे, तो यही सारी चीजें हैं, इसीलिए अप टू डेट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आई एम वांट कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो इन सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से ना वाकिफ रहे, ठीक है। पता है क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस मैं खुद का ही बता देती हूँ। मैंने अपने टाइम पे ना 2-3 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया था, जबकि मुझे पता था मेरा 100% दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स आ ही जाएगा, आई वाज सो श्योर। स्टिल मैंने 2-3 में एडमिशन लिया था, आई वाज लाइक कि अगर मुझे कहीं और बेटर कॉलेज मिलेगा या कुछ और मिलेगा तो मैं एक जगह से रिफंड करा लूंगी, ठीक है। स्टिल मैंने लिया था जबकि मैं 100% श्योर थी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू शुड ऑलवेज हैव बैकअप ऑप्शन इवन इफ यू आर 100% श्योर। तो मैंने जहां से मतलब आईपी यूनिवर्सिटी से अगर विड्रॉल करना तो मैंने वहां से विड्रॉल करा और मुझे फुल फॉर्म मतलब रिफंड आ गया था। पूरा एक फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है, आपके पूरे पैसे आपकी सारी फीस अकाउंट में वापस आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अपडेट इज दैट कि आप लोग मुझसे पूछ के थक गए, मैं बता के थक गई कि सीएसएस का लास्ट डेट क्या है। तो गाइज रिलैक्स करो, अभी पूरे एंड ऑफ जून तक तो वो खुलेगा, आप सभी के रिजल्ट आने तक वो खुला रहेगा आराम से, ठीक है। पहले ही बोला था कि अभी जल्दीबाजी से मत फिल करना, बट क्या हुआ, पहला दिन आज खुला नहीं है सीएसएस, बच्चों ने 6,000-7,000 बच्चों ने भर दिया। कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का, कोई फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस थोड़ी है कि आप लोग जल्दी जल्दी करोगे तो आपको जल्दी जल्दी एडमिशन मिल जाएगा, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ओके, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज करने हैं इस टाइम में। अब बच्चे मुझे क्या कर रहे हैं, डीएम आके रो रहे हैं कि यार हमें नहीं पता था कि कोटा भी मिलता है, तो हमने तो उस टाइम पे जनरल फिल कर दिया, अब हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो अब बना है। दैट इज व्हाई आई सेड काइंडली वेट, डॉक्यूमेंट्स बनाओ सबसे पहले, डॉक्यूमेंट्स बनाओ एंड देन फिर आगे जाके आप लोग सारी चीजों को फिल करो। बाकी ये तो रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात, बाकी की यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अपना पोर्टल धीरे धीरे ओपन कर रही है, बीएचयू हो गया, एयू हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपने चैनल पर बताऊंगी। आपको सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि ओहो आज बीएचयू का पोर्टल खुल चुका है, जल्दी से जाओ रजिस्टर कर लेना, अब इस विदिन मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के विदिन एयू का पोर्टल खुल चुका है, इस टाइम ड्यूरेशन के विदिन अपने जाके फटाफट से रजिस्टर कर लो, कैसे रजिस्टर करना है, ऑल द गाइडेंस आई प्रोवाइड यू ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और बढ़िया बात तो ये कि एनटीए ना बहुत ज्यादा खुश आजकल, उन्होंने तो भाई ये सोच रखा है भाई सीयूईटी तो सफल हो गया हमारा, यानी कि हमने सीयूईटी जल्दी से फिनिश करवा दिया। पिछले 2 सालों में तो क्या हो रहा था, 1-1.5 महीना लग जाता था, इस बार हमने 2 हफ्तों में फिनिश करवा दिया। दे आर वेरी हैप्पी रिगार्डिंग द सेम, आई नो दैट यू ऑल हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज ऑफ दैट, अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट हैपेंड, बट दे आर वेरी हैप्पी, दे आर लाइक ओ माई गॉड हमने 2 हफ्तों में करा दिया, प्रेस 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 प्रेस, इसीलिए ऑब्वियसली वो रिजल्ट भी जल्दी ले आएंगे, ठीक है। एनी विच वेज रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, यानी लेट जून तक आई होप आ जाएगा, एंड देन उसके बाद पूरा 1 महीने आपकी प्रोसेस चलेगी। उसके बाद 1 अगस्त से आप सभी की कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आई बी लाइक वोला वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो या ऑल द वेरी बेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट इन टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, लाइक कर दिया करो यार, आप लोगों का इतना मैं रिप्लाई देती हूँ सरदर्द हो जाता है मेरा, फोन देखते देखते लैपटॉप देखते देखते, एंड स्टिल यू आर नॉट लाइकिंग द वीडियो, आई डोंट लाइक दिस लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट ऑन बिलो समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।